फिर से हड़कंप मच चुका है, राजनीति में फिर से गर्माहट भी पैदा हो चुकी है। आपको पता ही है कि देश कौन चला रहा है, लेकिन दिल्ली पर आज भी राज करने वाला केजरीवाल है। ये केजरीवाल कौन है और कहां का है ये तो आपको पता ही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि केजरीवाल तो अभी तक जेल में थे, तो केजरीवाल की मैं बात क्यों कर रहा हूं। आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की बात जो होती थी, तो अब आज 13 तारीख शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है केजरीवाल को, लेकिन अभी तक बरी नहीं किया है। ये बात सत्य है कि जमानत मिली है, लेकिन ये बात अभी तक आपको बता दें कि फाइनल नहीं हुआ कि उन्होंने ये कांड किया ही नहीं, बल्कि अभी तक इसकी जिस तरीके से केस की जांच पड़ताल चल रही थी उसी तरीके से अभी भी ये चलता ही रहेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब जेल से बाहर आ चुके हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे कि आखिर में इस पूरे मामले पर किस मामले के तहत जो है ये पहुंचे थे जेल। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। यहां तक कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद आकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बिना नाम लिए निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे, आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने उनका जो है हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, इसकी जेल की जो सलाखें थी केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सके। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुबह मामले की सुनवाई की, कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुचलके पर केजरीवाल की जमानत के आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही बताया है। यहां तक कि दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के लिए केजरीवाल को ईडी ने इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में जमानत दे दी, लेकिन हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने फिर से गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वह जेल में ही रहे। सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत के लिए सीएम केजरीवाल की ओर से 2 याचिकाएं दायर की गई थीं। 5 सितंबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी एक मामला आया, सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आज मैं फिर से खड़ा हूं। दुआओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लोगों ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वाराओं में दुआएं मांगी है मेरे लिए, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने भारी बरसात में तिहाड़ पहुंचे समर्थकों का भी अभिवादन किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी जिंदगी का एक एक पल, उनके शरीर का एक एक कतरा कतरा जो है देश को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मुसीबतों को हमने झेली है, लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैं सच्चा था। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक दिखे। उन्होंने कहा, इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डालकर इसके हौसले को तोड़ देंगे, और टूटे हुए हौसलों को मैं लेकर बाहर नहीं निकला। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकी। यहां तक कि केजरीवाल ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आज तक ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, ताकत दी, ऐसे ही मुझे भगवान रास्ता दिखाते रहें। मैं देश की सेवा करता रहूं और जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ता रहूं। जिंदाबाद।
क्या है पूरा मामला ये भी बताएंगे कि किसके तहत के मामले में, यानी कौन से मामले में दिल्ली सरकार, अगर सीबीआई की बात की जाए तो इनको जेल में डाला गया था। दिल्ली सरकार के 2021-22 की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो कि लगातार अगर देखा जाए तो, हालांकि अब इस नीति को रद्द किया जा चुका है। कथित शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोपों में मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने ही आम आदमी पार्टी में दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ गए। वो 530 दिनों तक जेल में बंद रहे। सिसोदिया के अलावा इस मामले में अभियुक्त रहे संजय सिंह के कविता को जमानत मिल चुकी है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मार्च 2021 में मंजूरी दी थी। इसमें शराब की सरकारी दुकानें बंद करने से लेकर के शराब पीने का न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने तक का फैसला शामिल था। नई आबकारी नीति लागू करने के बाद दिल्ली का जो ये शराब नीति थी, दिल्ली का शराब कारोबार निजी हाथों में आ गया था। शराब की सभी दुकानें निजी हाथों में तो चली गई थीं, लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने इसका तर्क दिया था कि इससे इस कारोबार से प्राप्त होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली सरकार की यह नीति शुरू से ही विवादों में रही। आरोप लगे कि आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। साथ ही दिल्ली सरकार पर कमीशन लेने का भी आरोप लगा। कहा गया कि इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में हुआ है। लेकिन जब यह विवाद बहुत बढ़ गया तो नई नीति को खारिज करते हुए सरकार ने जुलाई 2022 में या फिर से पुरानी नीति को ही लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जब इनको जमानत मिली तो कितने इनके हौसले डबल हुए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक ये चीजें जरूर देखी गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर हाई कोर्ट का फैसला हो, लेकिन ये सीएम अभी तक बने रहे, जेल से इन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया। और एक मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा हुआ जो भारत का मुख्यमंत्री जो कि जेल में रह करके सरकार चलाने की नीति को अपना कर रखा और चलाता रहा। हालांकि ये हमारा कहीं ना कहीं संविधान है कि उन्होंने जेल के अंदर से चलाया, उनको इस्तीफा देने का कोई दबाव जो है बहुत सारे पड़े, लेकिन उन्होंने दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि आखिर में केजरीवाल जिस तरीके से सरकार दिल्ली की चला रहे हैं, सही चला रहे हैं या फिर गलत चला रहे हैं, ये तो जनता है। अगर आप दिल्ली से हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, अगर आप यहां से भी हैं तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वरना आपको खबर अगर नहीं गई तो मेरे पास कॉल मत करिएगा कि भैया मुझे फोन लगा कर कि भैया मुझे खबर नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।